रिजर्वेशन के विभिन्न आयामों पर जारी चर्चा के पार्ट फोर में चर्चा को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 1977 का जो पहला ओएम था ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें 3% आरक्षण की व्यवस्था डिस्टेबल के लिए ग्रुप सी और डी में की गई थी, जिसमें से 1-1% तीनों श्रेणी के दिव्यांगों के लिए ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयर्ड और लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सर्वकालिक की व्यवस्था थी, उसके संबंध में मैंने विस्तार से चर्चा की कल, और साथ में अगस्त 80 में जो उसी क्रम में और मांगों के साथ उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ सरकार के साथ, उसको मैंने कल आपसे साझा किया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको और इस रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और इसके विस्तार को इम्प्लीमेंटेशन सभी राज्य सरकारों के माध्यम से भी राज्यों में करवाने के लिए 16 मार्च 1980 के आंदोलन और उसके बाद सरकार से लगातार जो आपके अपने संगठन में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रियों से बैठकें की, उसके परिणाम स्वरूप 14 जून 1980 तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को पत्र संबोधित कर लिखा कि शीघ्रातिशीघ्र इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में रिजर्वेशन के क्या का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जाए डिसेबल्ड को रिहैबिलिटेट करने के लिए और पर्टिकुलरली ब्लाइंड। उसी के क्रम में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो 1 अगस्त से 5 अगस्त 1980 तक, जैसा मैंने कल बताया था, संघ द्वारा अनशन प्रारंभ हुआ, जिसमें मैं 1 अगस्त से 5 अगस्त तक कामन अनशन पर बैठा था और साथ ही एक एक साथी रोज ऐड होता गया था कामन अनशन की श्रृंखला में। तो 4 अगस्त 1980 का उसी क्रम में वो अग्रीमेंट हुआ था, उसमें मूलभूत जो बातें आई थी वो ये थी कि उसको मॉनिटर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जाएगा सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेशन को रिजर्वेशन, और स्पीडी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्शन DRC को इन्वॉल्व करते हुए लेबर मिनिस्ट्री भी सोशल वेलफेयर के साथ उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिजर्वेशन के काम करेगी। 4 अगस्त 1980 के इस एग्रीमेंट के बाद 1 सितंबर 1980 में तत्कालीन श्रम मंत्री श्री टी एन जैया ने सभी चीफ मिनिस्टर को और सभी डिपार्टमेंट्स को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आप सब एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला के शीघ्रातिशीघ्र सभी उन दिव्यांगों को और ब्लाइंड को रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जॉब प्रदान करें जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर। इसके पश्चात दिसंबर 1980 में DOPT ने जॉब आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की और उस प्रक्रिया के अंतर्गत 9 जनवरी 1981 में आइडेंटिफाइड जॉब्स की लिस्ट
ग्रुप सी और डी की सभी डिपार्टमेंट्स को सबमिट की, वो लिस्ट मैं आपको कल साझा करूंगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये पहली बार था जब सरकार ने ग्रुप सी में टीचर्स, म्यूजिक टीचर जो हम आप सब जानते हैं, स्टेनोग्राफर्स के पद को भी दिव्यांगों के लिए चिन्हांकित किया था, और ग्रुप डी में जितने टेक्निकल जॉब्स थे, लैथ मशीन ऑपरेटर आदि आदि, वो मैं कल फिर स्टाफ से सब पूरी साझा करूंगा, क्योंकि वो मैंने मंगवाई है पेन ड्राइव, उसमें अभी कार्यालय में काम चल रहा है, तो कल मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। इस प्रोसेस में एनएफबी पूरी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व, इसी दौरान सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी गठित हुई, और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में भी एनएफबी और मैंने एनएफबी का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 81 में, संभवतः 9 जनवरी 81 को, तत्कालीन श्रम मंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने पुनः सभी डिपार्टमेंट्स को और चीफ मिनिस्टर से पत्र लिखा 14 जून 1980 और सितंबर 1980 के, 14 जून 1980 को जो पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को और डिपार्टमेंट्स को लिखा था, उसी के क्रम में, और उसके बाद टी अंजैया जी ने जो पत्र लिखा था उसी के क्रम में 9 जनवरी 1980 को 81 को तत्कालीन प्रधान श्रम मंत्री श्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पत्र लिखा तत्कालीन श्रम और योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पत्र लिखकर जो डिसीजंस लिए गए थे, एक जो लेबर मिनिस्टर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी जो बैठक हुई, उसकी बैठक में ये मामला के एजेंडा के रूप में था, हमारे आरक्षण के कार्यान्वयन का, और साथ ही किस तरह से सभी जो हमारी मांग थी कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं उन सबको समयबद्ध तरीके से विशेष अभियान चला के जॉब देने की, तो उसमें कुछ जो डिसीजंस लिए गए थे बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, उनके उनकी जानकारी और उनका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा गया था सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी विभागों को केंद्र सरकार। वो डिसीजंस क्या थे? एक तो यही था कि विशेष भर्ती अभियान चलाकर सभी रजिस्टर्ड लाइन को जॉब दिया जाए आरक्षण के विरुद्ध, साथ ही उसी पत्र में इस फैसले का भी जिक्र था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक विभाग और राज्य सरकारें कम से कम एक लाइन को प्रतिमाह जॉब दें, ताकि सारे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड व्यक्तियों को, दिव्यांगों को जॉब मिल सके। उस पत्र का भी कंटेंट मैं आपको पूरी तरह से साझा करूंगा आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये केवल हिस्टोरिक महत्व नहीं रखते, ये आपको संकेत इस बात का भी देंगे कि इन पत्रों का प्रभाव कितना रहा और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैसे वो मैं अभी आज भी साझा करूँ। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे साझा करूंगा, दो बातें।
16 मार्च 80 के आंदोलन के बाद प्रोफेसर मधु दंडवते जी के माध्यम से इम्प्लॉयमेंट को लेकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो मैंने खुद ड्राफ्ट किया था वो भी जुलाई या अगस्त 80 में पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा के सामने। उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा, अपना अपनी प्रतिबद्धता जरूर व्यक्त की कि एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन जैसा हर निजी विधेयक पर होता है वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। लेकिन उससे एक राजनीतिक समझ, राजनीतिक एजेंडा पर ये मुद्दा जरूर चला, जिसके कारण ये आप देख रहे हैं कि जो बातें मैंने आपसे साझा की वो किस तरह से पूरे 1980 वर्ष में और फिर 81 में शुरुआत में किस तरह से युद्ध स्तर पर सरकार, सरकारी मशीनरी एक्टिव हुई, जॉब आइडेंटिफिकेशन हुआ, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बनी। और आप देखें कि एक्ट में जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसी की तर्ज पर ये सेंट्रल एडवाइजरी, ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी की डिसेबल्ड के समय रिकमेंडेशन के लिए पॉलिसीज के समय और मॉनिटरिंग बॉडी भी। एक दूसरा प्राइवेट सेक्टर की बात हम लोग अक्सर करते हैं और आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि यदि हम रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के माध्यम से अवसर सुनिश्चित नहीं हो सकते। और आज के परिवेश में जब प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है तब ये बात और भी समीचीन हो जाती है। और इसलिए 1980 में ही हमने प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट के लिए ओपन करने के लिए 2-3 सुझाव दिए थे जिनको सरकार ने माना भी और उस पर एक्शन। सबसे पहला सुझाव हमारा था कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाए, जो आपने एक्ट में भी 1995 के एक्ट में भी और 16 के एक्ट में भी है। जो बातें मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ कि ये जो चीज एक्ट में आई वो हमारे द्वारा 1980 से लेकर लगातार बताई गई और सौभाग्य से प्रथम लेजिस्लेशन की हर के लिए बनाई गई हर कमेटी में मैं रहा, वहाँ पर उन सुझावों को भी एक्टिवेट किया गया और उसी का परिणाम था कि ये सब अधिकतर सुझाव एक्ट में शामिल हुए, कुछ पूरी तरह, कुछ आंशिक रूप से, कुछ सुधार, कुछ सरकार के द्वारा हमने संशोधन करके जैसी भी स्थिति थी, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजी के रूप में शामिल जो है। तो उस क्रम में हमने ये कहा था कि इंसेंटिव के रूप में 1980-81 के बजट से पूर्व जब 16 मार्च को आंदोलन हुआ और जब 23 मार्च 80 को हमारी मीटिंग फिर हुई तो हमने बात रखी थी और तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री वेंकटरमन जी, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने 80-81 के बजट में इंसेंटिव के रूप में प्राइवेट सेक्टर को एक इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान किया कि अगर कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय रखेगा
आप जानते हैं कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है, तो नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉय की सैलरी, वो पूरी की पूरी जितनी वो पे करता है एम्प्लॉयर, वो उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स में से में सॉरी उनकी टैक्सेबल इनकम में से 100% डिडक्ट कर दी जाती है, अर्थात वो अलाउबल एक्सपेंडिचर। तो हमारे सुझाव के अनुरूप डिसेबल्ड एम्प्लॉय के केस में उसको जो सैलरी मिलती है उसका 133% डिडक्शन अलाउ किया जाए उसकी सैलरी, वो 80-81 में बजट में आया था। हालांकि उसका बहुत प्राइवेट सेक्टर ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जहां तक ये लगता है कि उसका रिस्पॉन्ड न करने का कारण ये रहा कि जो लेबर लॉज हैं, अगर रोल पर किसी एम्प्लॉय को आप दिखा देंगे तो लेबर लॉज का पूरा पालन करना पड़ेगा, जिसमें ईएसआई भी है, जिसमें प्रोविडेंट फंड भी है, जिसमें ग्रेच्युटी भी है, जो वो डिसेबल्ड के और ब्लाइंड के केस में नहीं कर। तो लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अपने संघर्ष की शुरुआत से ही प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को शामिल नहीं कर रहा था या आज तक शामिल नहीं किए हुए है, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के महत्व को नहीं मानता। हम हमेशा मानते हैं, हम इस बात का प्रयास भी करते रहे हैं, लेकिन जो हमारा संवैधानिक हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 19 जो संविधान का है, उसमें जो दी गई फ्रीडम्स हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन बिजनेस के नाम पर लिमिटेशन, सरकार का किसी प्रकार का लिमिटेशन एम्प्लॉयर पर रखना कि वर्क फोर्स में इतना आपको रखना ही होगा, वो कानूनी रूप से करना मुश्किल है। और यही कारण है कि केवल डिसेबल्ड नहीं, जो अन्य वर्ग हैं, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल वर्ग भी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी है, एसपी है, ओबीसी है, उनका भी अब तक आरक्षण निजी क्षेत्र में नहीं हो सका। तो एक तो ये बड़ा निर्णय हुआ और पॉलिसी फ्रंट पे आया, और दूसरा मैंने आपसे बताया निजी विधेयक जो पेश हुआ, और तीसरी बड़ी बात जो मैंने आपसे बताई कि आप सोचिए कि डिसेबल्ड का रिहेबिलिटेशन और पर्टिकुलरली ब्लाइंड का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ब्लाइंड के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलना सरकारी नेशनल राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे में आया, इसका प्रमाण यही है कि जो लेबर मिनिस्टर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें ये इशू एजेंडा के रूप में था, और उसमें फैसले लिए थे जिनका जिक्र 9 जनवरी 1981 के श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पत्र में है, जिसको हम कल आपसे साझा करेंगे। रिजर्वेशन के फ्रंट पर इंप्लीमेंटेशन के लिए 1977 से 80 तक, 16 मार्च 80 तक स्टेप्स कोई नहीं दिए जा रहे थे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। कारण मैंने बताया कि ग्रुप डी और ग्रुप सी में कोई आइडेंटिफाइड जॉब्स डिक्लेयर नहीं, और इसलिए जॉब मिल नहीं रहे थे, वो ऑर्डर जरूर निकला। ग्रुप सी और ग्रुप डी में
आरक्षण आपने 1977 के ओएम के अनुसार देखा कि आइडेंटिफाइड जॉब्स में था और जॉब्स आइडेंटिफाइड किए नहीं गए, तो इम्प्लीमेंटेशन सब कहाँ से होता? और इसीलिए हमारा 16 मार्च 80 के समय से ही इस पर जोर था कि जॉब आइडेंटिफाई हो, डिक्लेयर किए जाए। और ग्रुप डी में एंट्री के रूप में हमने सबसे पहले ये देखा कि ग्रुप डी में एंट्री चेयर रिकेनर के रूप में करवाकर और पीएन को पीएन के पदों के सापेक्ष ये पद हों और पीएन के पदों के विरुद्ध एडजस्ट हों, तो वो हमने एंट्री पॉइंट देखा जिसमें हम सफल हुए। और ग्रुप डी में एंट्री 1980 से प्रारंभ होती थी, जो मैंने आपसे चर्चा की, और 1980 और 81 में लोग लगे। ग्रुप सी में हमको लगा कि टीचिंग इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए 1980 में टीचिंग को भी हमने आइडेंटिफाई करा लिया था, जो सॉरी 1981 में जो सर्कुलेट हुई लिस्ट और दिसंबर 80 में वो आइडेंटिफिकेशन पूरा हुआ था, उसमें हम लोग प्रोएक्टिव थे। और वो टीचिंग पोस्ट भी जो हम कल जब आपसे लिस्ट साझा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमने आइडेंटिफाई करा ली। साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी हमने आइडेंटिफाई करा ली थी। तो ये ओपनिंग पॉइंट्स थे जिससे ग्रुप डी और सी में रिजर्वेशन ना इम्प्लीमेंटेशन का जो मूल कारण था आइडेंटिफिकेशन ना होना, उस आइडेंटिफिकेशन को करवा के हमने उस इम्प्लीमेंटेशन के रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के मार्ग को प्रशस्त किया। कल मैं आपसे इन सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साझा जरूर करूंगा, क्योंकि उसको मूल रूप से समझना आपके लिए आवश्यक है। और आप देखेंगे जो मैं कल रेखांकित कर रहा था कि हम लोगों ने 1980 में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन के सारे इश्यूज को फ्लैग कर दिया था। हमारा ये भी कहना था कि आइडेंटिफाइड पोस्ट के अगेंस्ट रिजर्वेशन का कंप्यूटेशन नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना था कि रिजर्वेशन आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड पोस्ट दोनों के विरुद्ध कंप्यूट होना चाहिए, क्योंकि 1977 का ओएम रिजर्वेशन अगेंस्ट दी पोस्ट था, ना कि अगेंस्ट दी वैकेंसी। और सारे आरक्षण इसी तरह थे, उसमें डिसेबल्ड का भी आरक्षण। तो एक इशू ये फ्लैग किया था हमने, दूसरा इशू आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स का फ्लैग किया था जो हल हुआ 1981 में, लिस्ट सर्कुलेट हुई, बहुत कम जॉब्स थे लेकिन शुरुआत, क्योंकि तब हम भी इवॉल्विंग स्टेज पे थे अपने थॉट प्रोसेस। आप समझ सकते हैं कि उस समय 80 में 26 साल की आयु थी मेरी, तो जो कुछ भी समझ विकसित हुई थी इस विषय पर उसके आधार पर एक शुरुआत हुई। और तीसरी बात, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये इशू भी था, ये सब रिजर्वेशन 50% के अंतर्गत रहनी चाहिए, 3% के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 50% सीलिंग का और शुरू से आ रहा है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी नहीं चाहिए, तो उस सीलिंग में हमारा आरक्षण भी इंक्लूड था। और इसीलिए इसी का परिणाम था जो जो हम मंडल कमीशन की चर्चा फिर करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसी का परिणाम था कि जब
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हुआ तो अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के समय हमारा जो 3% का आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया, तो उसको भी हमने रेस्टोर करवाया और उसको 50% की सीमा से बाहर कराया और हमारे आरक्षण की प्रकृति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कराया। तो ये निश्चित रूप से हम आप सब समझ सकते हैं कि इस 1980 में जो प्रयास शुरू हुआ था वो ग्रेजुअली ही सही, रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले हुई, इसके परिणाम स्वरूप सब दिक्कतों के बावजूद समय समय पर जो चुनौतियां आई हम अपने न केवल आरक्षण को बचा सके बल्कि आरक्षण को विस्तार भी दे सके, ग्रुप सी डी से ए बी में उसको ए बी में भी उसको एक्सटेंड करा सके और साथ ही हम उसको कानूनी शक्ल भी दिला सके। मैं समझता हूं कि आज हम यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और कल मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोशिश करूंगा कि आपके सामने इन सब ऑफिस मेमोरेंडम्स क्या कम्युनिकेशंस जो रिजर्वेशन से संबंधित हैं उनको मूल रूप में आपसे साझा कर सकूं। जो उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम आप सब इस आरक्षण की व्यवस्था किस तरह से किन किन चुनौतियों से गुजरते हुए आगे बढ़ती रही और उसका लाभ सबको मिलता रहा, ये हम आप समझने में सफल हो पाएंगे। अगर अब आपके कोई प्रश्न हैं तो आप उन प्रश्नों को अवश्य पूछ सकते हैं।
देखो एक सर, क्या इंसेंटिव से बेहतर विकल्प कुछ और हो सकता है ताकि हमारे दृष्टिबाधित साथियों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिले? इंसेंटिव से बेहतर विकल्प तो केवल आरक्षण को मैंडेटरी करना क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए दो ही तरीके हैं वर्ल्ड ओवर जो जाने जाते हैं। या तो आप आरक्षण मैंडेटरी कर दें या आप जो रोजगार नहीं देता उस पर किसी प्रकार की पेनल्टी लगाएं और या इंसेंटिव दें ज्यादा रोजगार देने वाले प्राइवेट सेक्टर के। जो पेनल्टी वाला प्रावधान है कि अगर क्वालिफाइड होते हुए भी उसको जॉब पे ना लिया गया डिसेबिलिटी के कारण, वो देखा गया कि जर्मनी, जापान इनमें वो काम नहीं किया। लोगों ने डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे नॉन सुटेबिलिटी नहीं दिखाई और कारणों से दिखा दी, जिससे पेनल्टी से भी बच गए और जॉब देने से भी बच गए। तो देखिए, चूंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए फिर सरकार सोच रही है प्राइवेट सेक्टर पे में रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की बात, जो आपको याद होगा कि पिछले चुनाव के समय भी बहुत तेजी से बात चली थी, वो फिर रिवाइव हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो हमारा केस और स्ट्रांग होगा, हम भी अपने आरक्षण को उन तक एक्सटेंड करा सकेंगे क्योंकि हमारा तो रिजर्वेशन उनसे ज्यादा बेटर फुटिंग पे है। हमारा रिजर्वेशन बाई स्टैट्यूट है और ये बात ध्यान रखिए कि किसी और का रिजर्वेशन एक स्टैट्यूट के माध्यम से नहीं है। कुछ क्या सर, क्या हमारी एनएफबी के पूर्व भी किसी ने दिव्यांग के आरक्षण के लिए संघर्ष किया है? हमारी नॉलेज में तो आरक्षण के लिए कोई संघर्ष एनएफबी के अलावा नहीं हुआ और वो भी 1978 के बाद ही ये संघर्ष की अवधारणा आई है। उससे पहले संघर्ष की अवधारणा किसी और संगठन में थी नहीं और एनएफबी में राष्ट्रीय स्तर पर 78 के बाद आई, लेकिन राज्य स्तर पर ये अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 74 से ही उत्तर प्रदेश में रोजगार आदि को लेकर ये अवधारणा आई और संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष का परिणाम ये रहा, जब मैं महासचिव था तब परिणाम ये रहा उस सबका और नेत्रहीन हितकारी संघ के साथ मिलकर, कि एडवाइजरी कमेटी उत्तर प्रदेश में 1974 में ही बन गई थी
जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव थे, एनएफबी के हम भी मेंबर थे उस कमेटी के। और इसके अलावा उसी समय 1974 में उत्तर प्रदेश में मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, जैसे चिल्ड्रंस रिफॉर्मेटरी होम्स हैं, उनमें दृष्टिबाधितों को जॉब मिलना शुरू हो गई हुई उस संघर्ष के परिणाम से केन इंस्ट्रक्टर्स के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर 1974 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और लेकिन वो भी एनएफबी के बैनर के तहत, और राष्ट्रीय स्तर पर भी 1978 के बाद योजना बनाकर 1980 से लगातार वो संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका एक ओवरव्यू आपको हम इस श्रृंखला में रिजर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टर, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रोस्टर? नहीं, मैं रोस्टर पे आऊंगा अलग से। रोस्टर का प्रश्न से उत्तर नहीं, एक प्रश्न के माध्यम से उत्तर। रोस्टर अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसको मैं स्पष्ट करूँ। प्राइवेट सेक्टर में हमारे लिए और विकल्प हो सकते हैं क्या? मैंने आपको बता दिया इस प्रश्न का उत्तर पहले ही। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए विकल्प और तो कोई नहीं है। आप अपनी क्षमता का निर्माण करें और दूसरों के साथ अपनी क्षमता और योग्यता को बराबरी कम से कम दिखाएं, तब संभावनाएं बनती हैं। अदरवाइज अगर रिजर्वेशन होगा और रिजर्वेशन के बहाने जब आपको क्षमता निर्माण का अवसर मिलेगा तभी आप अपनी क्षमता भी दिखा सकते हैं। इसलिए जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक क्षमता होते हुए भी हम क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकते, और तो हमको अवसर भी नहीं मिलता। क्या विश्व में किसी भी देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिव्यांगों के लिए लागू है? देखिए, विश्व के विकसित देशों में, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में, सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, इसलिए वहां आरक्षण की परिकल्पना नहीं है। वहां पर रीजनेबल अकोमोडेशन देकर डिसेबल्ड को बराबरी के आधार पर जॉब देने का प्रावधान है उनके लॉज। और अगर किसी ने रीजनेबल अकोमोडेशन देने के बाद भी ये कहा कि संभव नहीं है कि उसको जॉब दी जा सके, तो अगर वो मामला किसी तरह से लिटिगेशन में गया तो कोर्ट अक्सर ये देखता है कि रीजनेबल अकोमोडेशन वास्तव में देने के बाद भी, या रीजनेबल अकोमोडेशन देना संभव था भी कि नहीं जॉब देने के लिए, तो उसके आधार पर अगर डिसीजन उसके फेवर में आता है डिसेबल कैंडिडेट के, उसको रीजनेबल अकोमोडेशन देकर जॉब दिया जाना चाहिए था, डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पेनल्टी लगती है। तो आप ये समझिए कि वहां आरक्षण की परिकल्पना ही नहीं। मूल रूप से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। क्या सर, हम दृष्टिबाधित के अलावा किसी और दिव्यांग श्रेणी के लोगों ने हमसे पूर्व भी संघर्ष किया है? नहीं, मेरी नॉलेज में किसी ने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष किया होता तो आप ये देखिए, 16 मार्च 1980 के बाद ही सरकार जागी है। अभी आप जब मैं आपसे और कल साझा करूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, 1980 के, 1981 के, 1984 के, 1986 के, 1987 के, तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। इंदिरा साहनी का केस मैंने आपसे साझा किया, तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ काफी समय हो गया है। अगर कोई और प्रश्न है कल उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे।
आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार, और कल तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा।